हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, मस्त हूँ। सो टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपनी जो पाव भाजी की रेसिपी है वो आप लोगों के पास शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। और मैं कैसे बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी जस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के पास। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, बिल्कुल ही सिंपल है। तो चलिए बिना देरी किए पाव भाजी की बनाना स्टार्ट करते हैं, पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पाव भाजी की जो प्रेपरेशन है वो मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली है। मैंने सारी वेजिस वगैरह चॉप कर ली है फाइनली। और यहाँ पे जो हम पाव भाजी को बॉयल्ड करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ली है। मैं ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं करती हूँ, कई लोग बहुत सारी वेजिस डाल देते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद आती है। तो मैं अपनी पाव भाजी में कैबेज और फ्लावर और जो आलू जो होते हैं वो तीन चीज़ ही, कभी कभी गाजर डाल देती हूँ। और बीट होता है तो उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो कभी जब भी बीट डाल देती हूँ, क्योंकि आज बीट रूट था नहीं मेरे पास। तो आज बस ये तीन चीज़ ही मैंने बॉइल्ड कर ली है अच्छे से, इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। सो गाइस, सबसे पहले बड़ा सा मैंने पैन ले लिया है, इसमें अंदर ऑयल डाला है। आप चाहो तो बटर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे आज ऑयल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग। मैं हींग डालती हूँ ताकि अच्छा टेस्ट भी आ लगे और फ्लेवर भी अच्छा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर दी थी ऑनियन, तो सबसे पहले ऑनियन हम डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से उसको भून लेंगे। ऑनियन को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। सो गाइस, इसके अंदर नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि हमारा जो यहाँ पे ऑनियन वगैरह जो है वो जल्दी से भून सके। और हल्दी से पहले डालने से ना कलर भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ नमक और हल्दी डाल के अच्छे से भून लूँगी प्याज को। तो इसके अंदर हम डालेंगे कैप्सिकम, जो भी वेजीज हमने कट करके रख दी, कैबेज भी मैंने लिए है तो वो भी अंदर डाल देंगे फाइनली चॉप करके। और गार्लिक जो है वो ऑनियन के अंदर ही मैंने गाइस कट करके रख दिया था जो चॉपिंग में, तो गार्लिक है बट अभी अंदर मैंने ऑनियन के अंदर ही मैंने कर दिया था, तो गार्लिक भी हम लोगों को चाहिए उसमें। सो प्रॉपरली भून लेंगे सारी चीज़ों को। सो गाइस, बीच बीच में जो है वो जो यहाँ पे ऑनियन वगैरह हमने डाला था उसको भूनते जाना है बीच बीच में। सो गाइस, इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाला है। टमाटर लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि वो वैसे भी जल्दी भून जाता है, तो इसलिए टमाटर जो है वो मैं लास्ट में डालूँगी। और यहाँ पे बॉयल्ड मटर मैंने ऐड किए थे, तो मटर भी ऐड किए हैं इसमें। और अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे गाइस, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक ये सारी चीज़ों को है ना अच्छे से भूनना है हमको, क्योंकि जितनी भूनेंगे पाव भाजी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन के आती है। तो इसके अंदर हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और धनिया पाउडर डाला है मैंने, सारे मसाले जो स्पाइसेस है वो डाल देंगे। पाव भाजी मसाला भी इसमें ऐड करना है ताकि कलर बिल्कुल होटल जैसा बन के आए और अच्छे से स्ट्रीट फूड स्टाइल उसका लगे कलर। तो पाव भाजी मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। तो गाइस, ये सारी चीज़ों को तो अच्छे से हमने भून लिया है, बिल्कुल भी कच्ची स्मेल चली गई है। तो अभी क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस जो है हम वो करेंगे अभी। उसके बाद ये पाव भाजी मैशर है उससे भी ज़्यादा अच्छे से मैश कर देंगे ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से भून सके और टेस्ट भी अच्छा आए। जितना भूनेंगे पाव भाजी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके बाद जो हमने बॉईल करके सब्ज़ी रखी थी वो थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। अब ज़्यादा एक साथ ही डाल दोगे तो फिर अच्छी नहीं लगेगी प्रेपरेशन, वो जो डिस आउट करते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसमें जो बड़ा बड़ा से कैबेज वगैरह देखने को मिलता है, ये सब जो कि अच्छा नहीं लगता है, प्रेजेंटेशन हमारी ख़राब लगती है। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसमें कैबेज वगैरह जो भी हमने सब्ज़ी बॉइल्ड करी थी, तो थोड़ी थोड़ी सी कर देंगे, ऐड कर देंगे और भूनते जाएंगे। और क्या है वो पाव भाजी मैशर है उससे अच्छे से मैश करते हुए जाएंगे।
फिर अच्छे से भूनने के लिए ढक के रख दिया था इसको। और ये देखिए ऑयल पूरा हमारा ऊपर आ गया है और पाव भाजी इतना अच्छा भून के रेडी हो चुकी है। और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है, बट मुझे थोड़ा सा और कलर चाहिए था, इसलिए मैंने पाव भाजी मसाला मैंने दोबारा से ऐड करूँगी मैं अभी। तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी का मसाला ऐड कर दिया था। देखिए कलर पहले से अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट में भी पाव भाजी का मसाला अगर डाल लेते हैं तो कलर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाला था, थोड़ा सा बटर डाला था। और ये देखिए कितनी अच्छी पाव भाजी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।